विनोद जी, आपको क्या लगता है, क्या क्या ये जो सरकार ने जो फैसला किया है, ये चुनाव के मद्देनजर किया है या सरकार को वाकई लग रहा है कि किसान आंदोलन के दबाव में वो है और अब ज्यादा खींचने से उसका एम्बेरसमेंट होगा? देखिए, लोकतंत्र में ज्यादातर फैसले चुनाव की दृष्टि से ही होते हैं, क्योंकि जाहिर है सरकारें वही फैसले लेती हैं जिनको उनको जिनसे उनको राजनीतिक लाभ हो। और जब ये कृषि कानून लाए गए आर्थिक सुधार के नाम पर, तो ये कैलकुलेशन रहा होगा प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का कि इससे किसानों में बड़ा संदेश जाएगा और उनकी एक सुधार की छवि बनेगी और किसान इसका स्वागत करेंगे और इससे उनको राजनीतिक लाभ होगा। लेकिन हो गया उल्टा, किसानों ने इसके विरोध पर उतरा है, इतना विरोध पर उतरा है कि 1 साल से लंबा आंदोलन चला। तो उसके बाद जो नतीजे आने शुरू हुए, जो रिपोर्ट्स आने शुरू हुई, उससे निश्चित रूप से चुनावी संकट तो सत्ता पक्ष के सामने है ही। इसमें एक चीज मैं और देखता हूं, देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो असर पड़ेगा ही, या पड़ ही रहा है किसान आंदोलन का, पंजाब में भी पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति ये भी हो सकती है, जो मुझे लगता है इन चुनाव जी राजनीतिक रूप से अगर देखें, कि अगर किसान आंदोलन को हैंडल कर लिया जाए, चाहे वो मार्फत कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हैंडल किया जाए, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो इसका लाभ उसको मिलेगा ही। पंजाब में अगर वो जो है कुछ अच्छा करने की स्थिति में आ गए, बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह और ढींडसा की का जो गठजोड़ बन रहा है मिलकर के, तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये गिरता हुआ जो ग्राफ है जो लोकप्रियता का, वो एकदम से संभल जाएगा और 2024 के लिए एक नया परसेप्शन, नया नैरेटिव बन जाएगा कि भाजपा जो है फिर आगे बढ़ रही है। बल्कि इसमें यह भी है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में घाटा भी होता है और पंजाब में कोई बड़ा फायदा हो जाए, तो वो उस घाटे को ढका जा सकता है। तो ये सारे कैलकुलेशन के तहत ये फैसला लिया गया कि 3 कानून कृषि कानून वापस लिए गए और अब सरकार अपने को नरम दिखा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, सरकार वाकई अगर इस किसान आंदोलन को अब समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार नहीं चाहती कि किसान आंदोलन चुनावों तक चले, और जैसा कि सुनीलम जी और पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि एम्बिशन यूपी में लगेंगे, तो सरकार इसके पहले ही इसका समाधान चाहती है। इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ से 5 मांगे, जो 6 मांगों में से एक मांग टेनी वाली छोड़ करके, बाकी 5 मांगों पर उन्होंने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, और वो जो अभी सुनीलम जी ने बताया, पुष्पेंद्र जी ने बताया। लेकिन उसमें भी देखिए, सरकार ने अपने तरीके से एक मैसेज भेज दिया कि भाई हम ये कर रहे हैं, अब आप लोग अपने घर को जाइए। कायदे से तो ये होना चाहिए कि कृषि कानून आपने वापस लिए, उसके बाद जो किसान संगठनों ने चिट्ठी लिखी थी संयुक्त मोर्चे ने, जिसमें 6 मांगे थी, उसके बाद किसान नेताओं के प्रतिनिधियों को बुलाया जाता और उनसे एक एक बिंदु पर बात की जाती कि भाई आपराधिक मुकदमे वापस होंगे तो कैसे वापस होंगे, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या प्रक्रिया होगी, राज्य कैसे करेंगे, मुआवजा दिया जाएगा तो क्या पंजाब फार्मूला लागू होगा या कोई नया फार्मूला होगा, स्मारक के लिए जमीन दी जाएगी तो कहाँ, दिल्ली में दी जाएगी, हरियाणा में दी जाएगी, ये होता। एमएसपी के लिए कमेटी जो बनेगी, वो लीगल कमेटी बनेगी लीगलाइज करने के लिए, उसमें कौन कौन लोग होंगे, क्या होंगे। जैसे आप याद करिए, आशुतोष जी, अन्ना आंदोलन के बाद, पहले अन्ना आंदोलन का जो पहला जंतर मंतर वाला जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद जो समझौता हुआ था आंदोलनकारियों और तत्कालीन यूपीए सरकार के बीच में, उसमें जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में सिर्फ अन्ना आंदोलन के ही लोग थे सरकार के अलावा, बाकी बाहर के लोग नहीं थे। कि उसमें एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस को ले लो, एक मानवाधिकार आयोग को ले लो, एक लोकसभा स्पीकर का एक नॉमिनी ले लो, ऐसा नहीं किया गया था। सीधे सीधे 5 सदस्य अन्ना आंदोलन के थे और 5 लोग सरकार की तरफ से थे। तो ऐसी कोई कमेटी एमएसपी की बने जिसमें भाई 5 प्रतिनिधि सरकार के हों और 5 प्रतिनिधि जो है किसानों के हों, ये मैकेनिज्म बन जाना चाहिए था। और साथ में जो है जो बिजली का मुद्दा है और पराली का मुद्दा है, उस पर तो खैर सरकार अपनी बात कही रही, तो बैठ करके अगर नतीजा निकलता तो शायद आज कि जो मीटिंग हुई है एसकेएम की, उसमें वापसी का फैसला हो सकता था। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से एक निर्णय लेके गेंद अब किसान नेताओं के, किसान संगठनों के पाले में फेंक दी है कि भैया हमने तो ये फैसला ले लिया है, अब आप बताइए आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो अब कल इनकी जो मीटिंग होगी 2 बजे, उसके बाद ये तय करेंगे कि जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। एक बात और इम्पोर्टेंट है इसमें, कि सबसे ज्यादा मुकदमे जो है वो हरियाणा के किसानों पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस आंदोलन के दौरान जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो हरियाणा में हुआ है। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर की घटना हुई है, बाकी कहीं कोई टकराव नहीं हुआ पुलिस के साथ, पंजाब में भी कोई ज्यादा टकराव नहीं हुआ, जो टकराव मुख्य हुआ है हरियाणा में हुआ है। तो हजारों मुकदमे, एक किसान नेता के मुताबिक 48,000 मुकदमे या 40,000 मुकदमे खाली हरियाणा के किसानों पर है। तो हरियाणा के किसानों का जबरदस्त दबाव है कि मुकदमे वापसी के मामले में, चूंकि उनका अनुभव पहले भी खराब रहा है, कोई समझौता न किया जाए। ये मुझे लगता है शायद एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको लेकर मामला अटका हुआ है। ठीक है, मैं शकील जी के पास जाऊंगा, लेकिन उसके पहले शरद जी आपके पास। शरद जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है, क्या सरकार की तरफ से अभी भी शह और मात का खेल चल रहा? सरकार ये परसेप्शन बनाना चाहती थी कि हम तो किसानों के पक्ष में झुकते चले जा रहे हैं, लेकिन किसान जो है आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, क्या
क्या ये खेल चल रहा है या वाकई सरकार बहुत संजीदा है किसानों के इस मसले को सुलझाने के लिए और किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए? आपके पास क्या जानकारी सरकार के हिसाब से? सरकार की ओर से हर वो काम किया जा रहा है जिससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लाभ मिल सके। अब ये लोगों पे डिपेंड करता है और किसान नेताओं पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से लेते हैं। सरकार ने जो जितने प्रपोजल दिए थे किसान नेताओं ने लगभग सारे मान लिए हैं। अब उसके बाद अगर किसान नेता कहते हैं कि नहीं साहब इसमें ये कम है, ये ज्यादा है, ये पहले होना चाहिए, ये बाद में होना चाहिए, तो सरकार को इस समय एक ही चीज, बीजेपी को एक ही चीज चाहिए कि चुनाव में हम किसान हमारे साथ होने चाहिए। अभी तक किसान कभी भी एक क्लास के रूप में नहीं थे, किसान हमेशा जातियों में बटे रहते थे। पहली बार किसानों की एक एकजुटता का और जो इलेक्टोरल पावर था उसका एहसास सरकार को हुआ है जी। तो इसलिए सरकार हर चीज मानने को तैयार है इस समय। अब चूंकि चौधरी पुष्पेंद्र सिंह और डॉक्टर सुनीलम भी हैं जो कि एसकेएम के मेंबर हैं, तो मेरा ये कहना है कि इस समय जितना ये लोग अड़ेंगे मुझे लगता है कि सरकार वो सारी मांगे मांगती चली जाएगी। सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वो किसानों के सामने अपनी शर्तें रखे। जो अगर एक अजय मिश्रा टेनी की बात थी तो खुद अभी डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि हम उस पर इंसिस्ट नहीं करना चाहते। तो अगर खुद ही किसान किसी चीज पे इंसिस्ट नहीं करना चाहते तो सरकार कैसे उसको मानेगी? तो बाकी जो थोड़ी बहुत जो जिसे कहते हैं कि इचेस हैं, छोटे बहुत जो खुरदरे कोने हैं उनको, रफ एजेस, उनको मेरे ख्याल से अगले एक दो दिन में सुलझा लिया जाएगा। और ये मान के चलिए कि अगले एक से दो दिन के अंदर किसान आंदोलन वापस होना ही है और इसके पीछे किसानों के जो भी हित हैं वो जुड़े हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बीजेपी के हित जुड़े हैं। ठीक है डॉक्टर शकील साहब, क्या किसानों का यह आंदोलन वाकई में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, या ये कहा जाता है कि जब किसान वोट देने जाता है तो वो धर्म में बढ़ जाता है, जातियों में बढ़ जाता है, वो जाट गुर्जर ठाकुर और तमाम हो जाता है, उसकी कोई एक ऐसी एकल आइडेंटिटी नहीं है जिसके आधार पर कहा जाए कि किसानों का आंदोलन था इसलिए किसानों को नुकसान हुआ है लिहाजा वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर वोट देगा? देखिए, इससे पहले होता था ऐसा कि किसान जो था वो धर्म में और जातियों में बढ़ जाता था, लेकिन इस बार तो पलायन का इशू बार बार उठाए जाने के वजह से ये लग रहा है कि ये लोग घबराए हुए हैं और इनको लग रहा है कि किसी तरीके से किसानों की जो एकता कायम हो गई है, जब एक मन से हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लग सकते हैं तो खतरा है कि कहीं इत्तेहाद बना ना रहे इलेक्शन तक, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी कि ये जो इत्तेहाद बन गया। और क्योंकि भाजपा को इतनी पंजाब की फिक्र नहीं, उसको मालूम पंजाब में क्या उसकी बेस है, उसको दूसरे शहरों से मतलब नहीं है, हरियाणा में इलेक्शन अभी होना नहीं है, सिर्फ उसको यूपी से मतलब है कि यूपी में उसकी शिकस्त का कहीं कारण ना बन जाए पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो किसानों का जो बेल्ट है पूरी, तो उसको बचाने के लिए वो पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो आखिर तक ये कोशिश करेंगे कि किसान अपनी तहरीक वापस ले लें, लेकिन अगर किसान जैसे वहां छोड़ के दिल्ली बॉर्डर से हट जाए ये उनकी हार नहीं होगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।